यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जपल मैथ्स फॉर यू में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ये चैनल मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के ज्ञान को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए ये चैनल बनाया है, और इसमें हम मैथमेटिक्स के वीडियो और वीडियो सीरीज, वेब सीरीज चलाते हैं। पिछले वीडियोस में हमने जो बीजगणित की वेब सीरीज चलाई है उसके अंदर समीकरण और जो पदों की संख्या है बीजीय व्यंजक में उसके बारे में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसी के आगे का ये आज का वीडियो है जो उसके आगे के हम इसमें काम देखेंगे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, फुल आवाज़ में देखिएगा। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके आगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के हर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक। देखिए, आज पिछले वीडियो में हमने बीजीय पदों के बारे में पढ़ा था, चरों के बारे में पढ़ा था, समीकरण के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ जो तरीके हैं सवाल को करने के उनके बारे में देखेंगे, उसी के बारे में हम करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक में, यानी जो भी हम बीजीय व्यंजक लिखते हैं, जो भी बीजगणित में हम पद लिखते हैं बीजीय, उसे हम व्यंजक बोलते हैं। तो बीजीय व्यंजक या व्यंजकों में, बीजीय व्यंजक या व्यंजकों में पद, चर और घात, इनका पता लगाना, इनका पता लगाना, और इन्हीं के आधार पे, ये जितने भी पद, चर और घात हैं इन्हीं के आधार पे इनका वर्गीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे जितने भी आप हाई लेवल तक बीजगणित पढ़ोगे वहाँ पर इन्हीं वर्गीकरण के आधार पे, इन्हीं प्रकार के आधार पे बीजगणित को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये चीज़ आपको पहचाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पद क्या होते हैं? पद, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, एक पद, दो पद, वही होते हैं। चर, जो अज्ञात राशियाँ होती हैं, एक है या दो है, एक्स है या वाई, उनको हम चर बोलते हैं। और घात, घात यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम x की गुणा x से करते हैं तो इसका मतलब x दो बार गुणा में, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x और इसके ऊपर हम छोटा सा दो लगा देते हैं, तो ये जो दो हम संख्या लिखते हैं इसको हम बोलते हैं घात, और इस पूरे को हम बोलते हैं x की घात दो, ठीक है, इसको हम घात बोलते हैं। और ये जो संख्या है यहाँ पे, ये आधार कहलाती है, और ऊपर जो संख्या उसे हम दो बोलते हैं। इस दो का मतलब है कि x गुणा में दो बार आया, इसलिए हमें इसे x की घात दो लिख देते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे पास y इंटू वाई है तो इसे हम लिख सकते हैं y की घात दो। इसी प्रकार यदि हमारे पास z इंटू जेड है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, z की घात दो, नहीं दो नहीं तीन, z की घात तीन, क्योंकि यहाँ पर ये कितनी बार गुणा में है, तीन बार गुणा में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं z की घात तीन। तो ये जो संख्या होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यंजक अगर आपको दिया जाए और उसमें आपको पद, घात और चर का पता लगाना हो तो क्या आप पता लगा सकते हो, ये आज का हमारा विशेष टॉपिक है कि आपको पता कैसे लगाना है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस आठ, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा। अब आपको बताना है इसमें पद कितने हैं, इसमें चर कितने, ये x प्लस वाई प्लस आठ है, इसमें आपको पता लगाना है कि पद, चर और घात कितने हैं। तो चलिए सबसे पहले बात पता करते हैं पद की। तो पद के लिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर प्लस या माइनस आए वहाँ से पद क्या होता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस दो जगह आ रहा है तो यहाँ से पद क्या हो गया, अलग। तो यहाँ से अलग हो गया तो एक तो पद ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी इसमें टोटल कितने पद हैं, तीन पद। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम पदों की गणना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई भी सजातीय पद नहीं होने चाहिए। ये x है, x का पद और कोई नहीं है, y का पद और कोई नहीं है, यानी तीनों पद अलग अलग होने चाहिए। यदि कोई सजातीय पद है तो उसे हम दो पद ना गिनकर एक ही पद गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सजातीय नहीं है, यानी इसके अंदर कुल कितने पद हो गए, इसमें पदों की संख्या होगी तीन, ठीक है। और जिसमें पदों की संख्या तीन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिपदीय, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिपदीय। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, त्रि का मतलब तीन, पदी का मतलब पद, जिसमें तीन पद है वो त्रिपदीय। अब बात करते हैं यहाँ पे चर की। तो यहाँ पे चर कौन कौन से हैं और कितने हैं, चर का मतलब होता है जो अपन अज्ञात राशियाँ मानते हैं। देखिए, ये x है, x का मतलब एक अज्ञात राशि जिसका मान हमें नहीं पता, इसलिए अपन ने उसको x मान लिया। और y, ये भी एक दूसरी अज्ञात राशि है, इसका मान भी हमें नहीं पता। और आठ, आठ एक ज्ञात राशि है, अचर है, तो आठ चर नहीं होगा, चर इसमें ये दो होंगे, x और y,
तो यहाँ पर चर कितने हैं, दो, यहाँ पर चर हैं दो। और कौन कौन से हैं अगर ये भी पूछ ले तो आप बता सकते हो, एक्स और वाई। ठीक है, अब बात आती है घात की। तो जो भी यहाँ पर चर हैं, जो भी यहाँ पर चर हैं, उसकी अधिकतम घात को हम इस पूरे व्यंजक की घात बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक्स है, एक्स के ऊपर घात कितनी है, अब यहाँ पर एक्स के ऊपर कोई भी घात नहीं है, इसका मतलब एक्स कितनी बार है, एक बार है। तो जब कोई भी घात नहीं होती तो वहाँ पर क्या होती है, एक होती है। एक घात लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। वाई की भी घात कितनी है, एक। तो यहाँ पर चर की जो घात है वो एक एक है, तो एक एक में से जो अधिकतम घात है, जो सबसे ज़्यादा घात होगी, वही इस पूरे व्यंजक की घात होगी। तो यहाँ पर घात एक ही है, अधिकतम भी एक ही होगी, तो यहाँ की घात कितनी होगी, एक। ठीक है, इस तरह से इसे हम किसी भी व्यंजक में हम पद, चर और घात निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको निकालनी है। पद 3 है तो इसे बोल दिया त्रिपदीय है, चर 2 है तो इसे हम बोलेंगे दो चर वाली, अगर एक चर वाली होती तो हम बोलते एक चर वाली, 3 होती तो 3 चर वाली, और घात 1 है, जिसकी घात 1 होती है उसे हम बोलते हैं रैखिक, कि उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक। ठीक है, तो ये दो चर वाली रैखिक व्यंजक है, दो चर वाला एक रैखिक व्यंजक है जिसमें 3 पद हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ वापस से, जो मैंने पहले बताई थी आपको। यहाँ पर हम देखते हैं पद के हिसाब से वर्गीकरण, यहाँ पर देखते हैं चर के हिसाब से, और यहाँ पर देखते हैं घात के हिसाब से। ठीक है, यदि पद एक है तो उसे हम बोलते हैं एक पदीय, यदि दो है तो उसे हम बोलते हैं द्विपदीय, यदि 3 है तो उसे हम बोलते हैं त्रिपदीय, और अगर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ज़्यादा है तो उसे हम बोलते हैं बहुपदीय। बहु का मतलब ज़्यादा। ठीक है, इंग्लिश में इस बहुपदीय को बोलते हैं पॉलीनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलीनोमियल। पॉली का मतलब बहु, नोमियल का मतलब पद। त्रिपदीय को ट्राइनोमियल, ठीक है, द्विपदीय को बाइनोमियल, एक पदीय को मोनोमियल। ठीक है, क्योंकि मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब 3, पॉली का मतलब ज़्यादा। तो एक पदीय है तो मोनोमियल, दो पदीय है तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलीनोमियल, ये होगी पद के हिसाब से। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, एक बार वापस आपके रिवाइज हो गया। अब बात आती है चर की। तो यदि चर एक ही है, यदि चर कितना है, एक ही है। देखिए यहाँ पे चर कितनी भी बार आए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन चर एक ही होना चाहिए। जैसे एक्स है और वाई है, तो एक्स वाई अलग अलग है, तो यहाँ पे दो चर हैं। तो यदि चर की संख्या एक होगी तो उसे हम बोलेंगे एक चर वाली, या एक चर की, और अगर चर की संख्या दो होगी तो उसे हम बोल देंगे दो चर वाली। ठीक है, अगर चर की संख्या 3 है तो उसे हम बोल देंगे 3 चर वाली। इस तरह से 3, 4, 5 वाली हो जाएंगी। आपके मैक्सिमम एक चर वाली या दो चर वाली ही आएंगी, बड़ी क्लासों में 3 चर वाली आ जाती हैं, उसके ज़्यादा का उपयोग यहाँ पे नहीं होता। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी, जितने चर है उतने चर वाली समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है घात की। यदि घात यहाँ पे एक है, यदि घात यहाँ पे क्या है, एक, तो उसे हम बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे, रैखिक। यदि घात 2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे द्विघात। क्या बोलेंगे, द्विघात। यदि घात 3 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात, और अगर 4 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, चतुर्घात। ठीक है, यहाँ पर आपके 10th तक लेवल तक, 12th तक लेवल तक, त्रिघात तक ही आएगी, चतुर्घात तो बहुत रेयर चांस में आ जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर एक है तो रैखिक, बाकी तो द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात, ये इस तरह के ये व्यंजक हैं। तो आपको पद, चर और घात के आधार पे उनका वर्गीकरण यही है। अगर पदों की संख्या के आधार पे उनका ये नाम, चर की संख्या के आधार पे उनका ये नाम, और घात के संख्या के आधार पे उनका ये नाम आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर जो घात है वो अलग अलग हो सकती है, तो आपको अधिकतम देखनी है। क्या देखनी है, अधिकतम, जो मैक्सिमम होगी अधिकतम वो आपको देखनी है। यहाँ पर चर की आपको संख्या देखनी है, और पद तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया इनका वर्गीकरण। अब एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिसमें आपको पद और चर पहचानना पड़े। यहाँ पर सपोज करो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 8x+4। अब यहाँ पर बताओ, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले अपन देखते हैं पद, पद कितने हैं। देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है 2 बार, तो पद कितने हो जाएंगे, 1, 2 और 3, पद हो जाएंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको मैंने बताया था कि पद जो होते हैं वो हमेशा सजातीय को एक ही मानना है। तो क्या यहाँ पर ये x और x सजातीय हैं? देखिए दिखने में तो x और x सजातीय लग रहे हैं, लेकिन x और x सजातीय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x अकेला है, तो x की घात 2 और x सजातीय नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। क्योंकि यहाँ पे x अकेला गुना में है, यहाँ पे x 2 बार गुना में है, तो ये दोनों को हम अलग अलग मानेंगे, इसीलिए 1, 2 और 3 पद ये हो जाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे चर बताओ कितने हैं, चर की संख्या कितनी है, तो चर यहाँ पे सिर्फ एक ही है, एक्स वही एक्स यहाँ पे है, वही एक्स यहाँ पे, तो चर यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक है, तो यहाँ पे चर की संख्या क्या होगी, सिर्फ एक होगी। और घात, अब अपने पास एक ही चर है और उस चर की घात यहाँ पे कितनी है, इस चर की घात यहाँ पे दो है और यहाँ पे घात कितनी है, कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है। तो घात दो भी है और एक भी है, तो घात में हम क्या लिखते हैं, अधिकतम। तो अधिकतम कौन सी है, ज़्यादा कौन सी है, दो, तो यहाँ पर घात हो जाएगी दो। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में भी पद, चर और घात की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये त्रिपदीय है, एक चर वाली द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात दो है मतलब द्विघात, ठीक है, तीन है मतलब त्रिपदीय है, एक है मतलब एक चर वाली, और दो है मतलब द्विघात, यानी ये जो बहुपद है वो एक चर में द्विघात बहुपद है जिसमें तीन पद, द्विघात का त्रिपदीय है। इस तरह से आप इसको क्लियरिफाई कर सकते हो। एक और एग्जांपल में लेता हूँ, जैसे वाई की घात 3 प्लस 2 वाई की घात 2 प्लस जेड प्लस 4, ये और ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो वही आपको पद निकालने हैं, तो पद बताओ, पद में ध्यान रखना ये वाई की घात 3 है, ये वाई की घात 2 है, तो ये अलग अलग हैं, सजातीय नहीं है, और ये जेड अलग है, तो इसमें पद कितने होंगे अपने पास, 4, क्योंकि 1, 2, 3 और 4। चर कितने होंगे यहाँ पे, यहाँ पे चर देखिए, एक तो वाई है, ये भी वही वाई है और ये जेड है, तो हमारे पास दो ही चर हैं, वाई और जेड, तो यहाँ पे चर होंगे हमारे पास दो, ठीक है। और घात कितनी होगी, अब यहाँ पे देखिए अधिकतम घात 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही है, तो अधिकतम घात कितनी होगी, 3, तो इसकी घात हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये 4 है मतलब चतुर्पदीय, 2 है मतलब दो चर वाली, और 3 है मतलब त्रिघात। 4 है मतलब चतुर्पदीय है, 2 है मतलब दो चर वाली, 3 है मतलब त्रिघात, तीन घात, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये त्रिघात होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप पदों की संख्या, घात की संख्या, चर की संख्या ये भी आप निकाल सकते हो, और इनका जो वर्गीकरण है घात और पद के हिसाब से वो भी आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया वो आपको जरूर समझ में आया होगा, और इस वीडियो में अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत हुआ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, और इस वीडियो को आप एक बार दो बार देखोगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके हमेशा आगे तक काम आएंगी। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।